हाइपर एस टू पॉइंट जीरो का जो रोल आउट है वो स्टार्ट हो चुका है ग्लोबल में भी काफी सारे डिवाइसेज में ये जो अपडेट्स हैं वो देखने को मिले हैं आज और कल की डेट में और आज भी कुछ ऐसे डिवाइस है जिनके लिए रोल आउट स्टार्ट है और यहाँ पर ये जो अपडेट्स हैं वो एंड्रॉड 15 और एंड्रॉइड 14 के साथ दोनों ही कंट्रीज में मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर ये सारी कंट्रीज में रोल आउट शामी स्टार्ट कर रहा है क्योंकि चाइना में आ गया है ग्लोबल में भी आ गया दैन इंडिया का भी नंबर है और यहाँ पर डिवाइसेज की जो लिस्ट है वो भी देखने को मिल चुकी है और हाइब्रेस वन के भी अपडेट्स काफी सारे डिवाइस के लिए देखने को मिले हैं आज और कल की डेट में और जो हाइब्रेस नॉर्मल वर्जन है वो भी बहुत सारे में इंडिया में कंटिन्यू रोल आउट किया जा रहा है तो इस वीडियो में आप सभी के लिए काफी सारी है, काफी सारी सारी है है टेक न्यूज ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दें तो चलिए करते हैं स्टार्ट तो यहाँ पर मैं पहले डिवाइस की बात करूं तो आप देखोगे पर देखोगी जो मिक्स फोल्ड फोर है इसके लिए यहाँ पर मिक्स फोल्ड फोर और मिक्स फोल्ड जो फिलिप डिवाइस है इन दोनों ही डिवाइसेस के लिए यहाँ पर दो नए अपडेट्स देखने को मिले हैं 2.0 के बीटा है तो इन अपडेट्स की अगर मैं बात करूँ तो आप इनके वर्जन चेक कर सकते हो 2.0.1.3 है और ये जो है थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी का देखने को मिल जाता है बी, बीटा फॉर्म में इसको रिलीज किया दूसरे अपडेट की मैं बात करूं तो भाई 2.0.1.2 है और ये टू हंड्रेड का यहाँ पर देखने को मिला है और ये सारी अपडेट्स एंड्रॉइड 15 बेस्ड है जिनका रोल आउट शॉमी ने स्टार्ट कर दिया तो ये दोनों ही डिवाइसेज के लिए ये जो अपडेट्स हैं वो सी में देखने को मिले हैं अगर आप इनका वेट कर रहे हो तो ग्लोबल और इंडिया में भी काफी जल्द यही अपडेट देखने को मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट की अगर मैं बात करू तो आप देख सकते हो यहां पर अगर आप शॉमी फोर्टीन यूज करते हो तो फाइनली ग्लोबल साइन है सिक्स पॉइंट थ्री जीबी का यह अपडेट है जो की काफी बड़े साइज के साथ आता है क्योंकि इस अपडेट में आपको एंड्रॉइड 15 भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो अगर आप यहाँ पर Xiaomi 14 यूज करते हो तो इसका रोल आउट ग्लोबल में स्टार्ट कर दिया गया है काफी जल्द इंडिया में भी देखने को मिलेगा और यहीं पे अगर मैं बात करूं तो Xiaomi 13T जो प्रो डिवाइस है इस डिवाइस के लिए आज की डेट में हाईप्रेस 2.0 का जो ऑफिशियल बिल्ड है वो ई एस टेबल में रिलीज कर दिया है क्योंकि ग्लोबल का रोल आउट स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर आप इसका वर्जन देख सकते हैं 2.0.9.0 पॉइंट है सिक्स पॉइंट का यह अपडेट है क्योंकि इस अपडेट के अंदर भी आपको एंड्रॉइड फिफ्टीन का जो सपोर्ट है वो देखने को यहां पर मिल रहा है इसलिए इस अपडेट का साइज जो है वो काफी बड़ा यहां पर हो जाता है फीचर्स की मैं बात करूं भाई लॉट्स ऑफ फीचर्स का सपोर्ट जो है वो यहां पर देखने को मिला है तो फाइनली यहां पर शाउमी थर्टीन टी प्रो डिवाइस के लिए हाईप्रेस टू पॉइंट का जो ऑफिशियल बिल्ड है एंड्रॉइड 15 के साथ उसको शाउमी ने रिलीज यहाँ पर कर दिया है नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूं तो अगर आप Redmi Note 11 Pro Plus 5G मॉडल यूज करते हुए इंडिया में तो यहाँ पर एक नया अपडेट जो वो कल की डेट में देखने को मिला है जो की वन पॉइंट जीरो पॉइंट एट पॉइंट जीरो है नाइन्टी फाइव एमबी का अपडेट है और इस अपडेट में आपको नवंबर ट्वेंटी फोर का जो सिक्योरिटी पैच है वो यहाँ पर देखने को मिला ये अपडेट जो है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे यूजर्स के लिए रिलीज कर दिया गया है इंडिया में तो अगर आप रेडमी नोट इलेवन प्रो प्लस करते हुए इंडिया में तो ये अपडेट देखने को मिला है जिसको आप डाउनलोड करके भी फ्लैश कर पाओगे और गैस यहाँ पर Redmi Turbo 3 के लिए भी हाइपर 1.5 का एक लेटेस्ट वर्ल्ड देखने को मिला है CN में ये जो अपडेट है वो 1.0.18.0 है और ये 129 MB का देखने को मिल जाता है फीचर्स की मैं बात करूँ तो एडिशन के अंदर आपको काफी सारे कस्टमाइजेशन एंड ऑप्टोमाइजेशन देखने को यहाँ पर मिलते हैं तो अगर आप इंडिया में ये डिवाइस यूज करते हो तो काफी जल्दी एक नया अपडेट जो वो आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा और यहां पर अगर मैं बात करूं Redmi K70 Pro के बारे में तो भाई इसके लिए भी हाईप्रेस 2.0 का एक नया ऑफिशियल बिल्ड रिलीज कर दिया गया है 2.0.4.0 है और ये सिक्स पॉइंट का देखने को मिला है क्योंकि ये Android 15 बेस्ड अपडेट है हालांकि इसको भी CN में ही रिलीज किया गया है काफी जल्दी ग्लोबल देन इंडिया में भी आपको ये देखने को मिलेगा लेकिन इसका जो ऑफिशियल रोल आउट है उसको शाउमी ने ऑलमोस्ट यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर Redmi Note 12 Pro Plus 5G मॉडल के लिए एक नया अपडेट इंडिया में फ्लैश किया गया है जो कि 1.0.8.0 है ट्वेंटी फोर का ये अपडेट है और अगर मैं इसके बात करूँ नवंबर सिक्योरिटी पैच की तो यहाँ पर आपको एक लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच विद न्यू फीचर्स मिलता है हालांकि फीचर्स की ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन नहीं मिलती है और इस अपडेट में आपको नवंबर 24 का सिक्योरिटी पैच मिलता है और छोटे मोटे ऑप्टिमाइजेशन भी इस अपडेट में आपको मिलते हैं और ये इंडिया में ऑफिशियल रिलीज कर दिया है और गैस यहाँ पर फाइनली रेडमी की एटी डिवाइस जो है इसको ऑफिशियल जो वो चाइना में लॉन्च कर दिया गया है इसके कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिले प्रोसेसर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है देन यहां पर इसका जो डिस्प्ले है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और यहाँ पर नाइनटी वोट की जो फास्ट चार्जिंग है और यहाँ पर सिक्सटी फाइव हंड्रेड प्लस फिफ्टी एम की जो बैटरी है वो आपको मिल जाती है और यहाँ पर वाटर रेजिस्टेंट वगैरह भी ये यह डिवाइस यहाँ पर हो रहा है तो उसके साथ ही यहाँ पर और भी काफी सारी चीजें मिल जाती है वन ट्वेंटी का रिफ्रेश रेड मिल जाता है और गोरिल्ला ग्लास जो सेवन हाई प्रोडक्शन है वो आपको मिल जाती है जो कि काफी ज्यादा एडवांस है और यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 का जो प्रोसेसर है वो आपको मिल जाता है उसके साथ यहाँ पर एंड्राइड 15 और हाइपरस 2.0 के साथ ये डिवाइस जो वो आपको देखने को मिलता है काफी एक जबरदस्त डिवाइस यहाँ पर है और इसकी प्राइस स्पेसिफिकेशंस वगैरह भी आपको देखने को मिल जाती हैं जिसको आप कैलकुलेट कर पाओगे और यहाँ पर हाईप्रेस टू पॉइंट जीरो का जो क्लॉक ऐप है उसका एक लेटेस्ट अपडेट नया देखने को मिला है जिसके अंदर आपको काफी सारे टूल्स मिल जाते हैं यहाँ पर आप देखोगे इसका जो डैशबोर्ड है वो टोटली यहाँ पर चेंज किया गया है इसके अंदर आपको कस्टमाइजेशन भी काफी मिलते हैं देन यहाँ पर नए फीचर्स और नए क्लॉक के जो सेक्शन है वो देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं जो की आपको विजिट सेक्शन में यहाँ पर ये फीचर मिला है अगर आप चाहो तो इसका विजिट जो है वो एक्टिवेट कर सकते हो क्योंकि ये जो अपडेट है वो टू का है जिसमें आपको क्लॉक वगैरह के और भी काफी सारे जो नए विजिट्स है वो देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं और यहाँ पर Redmi K80 Pro के अंदर जो हाईप्रेस 2.0 का गेम टर्बो है उसको ऑफिशियल अनवील कर दिया गया है सारी स्पेसिफिकेशन और सारे फीचर्स को भी यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया है यहाँ पर पहले चाइनीज लैंग्वेज में आ रहा था लेकिन अब आपको यहां पर इंग्लिश वगैरह में देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देखोगे वन हंड्रेड एंड एटीन एफ पी एस पे चल रहा है और रियल टाइम जो है वन ट्वेंटी एफ पी एस को ये सपोर्ट कर रहा है मतलब यहाँ पर फ्रेम रेट जो है वो आपको मिल जाता है और यहाँ पर ए आई गाइड के फीचर मिल रहे हैं और यहाँ पर ए आई कुछ जनरेशन के फीचर्स है और भी काफी सारे नए टूल्स हैं जिसमें आपको यहां पर ये फीचर्स देखने को मिल जाते हैं गेम टर्बो में तो ये काफी बड़ा जंप है जिसके अंदर एआई का भी सपोर्ट मिल रहा है तो एआई के टूल्स के साथ आप जब गेमिंग करोगे तो एक्सपीरियंस काफी ज्यादा इनेंट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर Redmi X जो डिवाइस है वो यहाँ पर आपको लेम्बर एडिशन में देखने को मिल रहा है इसका आप देख सकते हो चैंपियनशिप एडिशन जो है चैंपियनशिप वाली वो आपको देखने को मिल रही हो ये रेडमी एक्स डिवाइस है उसके साथ यहाँ पर इसकी जो एडिशन है वो लम्बर की आपको यहाँ पर मिलती है तो ये एक मतलब छोटा सा जंप है जिसमें आपको ये लंबर एडिशन जो है वो देखने को मिल जाती है अगर आप चाहो तो इसको भी परचेज वगैरह कर सकते हो जो कि यहाँ पर रेडमी के एटी में भी आपको देखने को मिलता है आप देख सकते हो लंबरगिनी जो एडिशन है वो ऑटोमोबाइल लंबर और यहाँ पर इसका जो मतलब शेप है वो आपको कुछ इस तरीके से इसी डिजाइन में देखने को मिलता है और यहाँ पर हाईपरिस्ट टू पॉइंट जीरो की जो सर्विसेज और फीचर है एआई वाले उनमें आप देखोगे एआई नोट्स है एआई गैलरी है एआई रिकॉर्डर है एआई इंटरप्रेटर है और यहाँ पर सर्किल टू सर्च मिल रहा है तो ये सारे फीचर्स हाईपरिस्ट टू पॉइंट जीरो के अंदर आ चुके हैं जिनके कुछ एपीकेस अवेलेबल है अगर आप चाहो इन फीचर्स को एक्टिवेट भी कर सकते हो ये सारे एपीके मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर एक्टिवेट करा दिए हैं मतलब अवेलेबल करा दिए हैं जिसमें आप गूगल के भी यहाँ पर फीचर्स यूज कर पाओगे यहाँ पर एआई एनालाइजर है गैलरी है नोट्स है तो ये सारे जो फीचर्स है वो ए को आप सपोर्ट यहाँ पर कर रहे हैं आप ए साथ इनको यूज कर पाओगे तो इनके सारे लिंक जो है टेलीग्राम पे आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं वहां से आप जाकर अगर ये फीचर्स एक्टिवेट करना चाहते हो तो भाई कर सकते हो और फाइनली 14 जो सीरीज है रेडमी नोट 14 14 प्रो 14 प्रो प्लस यहाँ पर इसको ऑफिशियल का अनबिल कर दिया गया है इंडिया में कब लॉन्च हो रहा है इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट यहाँ पर आ गई है इसको जो है वो शावी यहाँ पर लॉन्चिंग ऑन नाइन दिसंबर यानी कि नाइन दिसंबर को इसको जो है वो लॉन्च कर रहा है इंडिया में तो भाई काफी ज्यादा अपडेटेड डिवाइस है बहुत सारे यूजर्स वेट कर रहे हैं लेकिन मैं बस यही बोलूंगा शावी कुछ यहाँ पर अफोर्डेबल प्राइस पे इसको जो है लॉन्च करे तो जिसमें सारे लोग इसको परचेज यहाँ पर कर पाएंगे और यहाँ पर Redmi Note 12 Pro Plus जो 5G डिवाइस है वो यहाँ पर इंडिया में एक्सप्लोड हो गया है इसका एक नया जो लीक है वो यहाँ पर निकल कर आया है अभी आप देखोगे कुछ यहाँ पर मतलब यहाँ पर एक यूजर है जिन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन चैनल पे जो है वो शेयर की है तो मैंने इसको जो है चैनल पे आपने शेयर किया हुआ है आप देख सकते हो इन्होंने बोला है मतलब इन्होंने डिवाइस को जो ऑनलाइन परचेज किया था अभी लास्ट ईयर ही और ये जो डिवाइस है मतलब यहाँ पर जो एक्सप्लोड हो गया है तो मतलब क्या रीजन रहा क्या नहीं रहा वो तो इन्फॉर्मेशन नहीं है फिलहाल ये डिवाइस जो है वो यहाँ पर ब्लास्ट हो चुका है और यहां पर हाइपरस का जो अपडेट ट्रैक है उसमें काफी सारे डिवाइस लिए अपडेट्स देखने को मिले जिसमें आप देखोगे रेडमी नोट इलेवन या फिर पोको जो एम फोर प्रो डिवाइस है ग्लोबल स्टेबल में वन पॉइंट जीरो पॉइंट सिक्स पॉइंट जीरो मिला है रेडमी के फिफ्टी आई को इंडिया में वन पॉइंट जीरो फाइव पॉइंट जीरो अपडेट मिल गया है रेडमी जो टेन फाइव जी है यानी कि पोको जो एम फोर फाइव जी है इसको ग्लोबल स्टेबल में वन पॉइंट जीरो पॉइंट सेवन पॉइंट जीरो देखने को मिला है और यहाँ पर रेडमी थर्टी सी पोको सी सिक्सटी फाइव के लिए आप देखोगे इंडिया में वन पॉइंट जीरो पॉइंट सिक्स पॉइंट जीरो देखने को मिला है और शामी इवेन आई इलेवन आई चार्ज के लिए इंडिया में वन पॉइंट जीरो पॉइंट एट पॉइंट जीरो मिला है शामी थर्टी प्रो के लिए यहां पर ग्लोबल स्टेबल में वन पॉइंट का अपडेट मिला है रेडमी नोट ट्वेल्व प्रो और प्रो प्लस के लिए इंडिया में 0. 0. 0 आ गया है और शामी फोर्टीन के लिए ग्लोबल स्टेबल में वन पॉइंट पॉइंट जीरो का जो टेस्टर अपडेट है वो देखने को यहाँ पर मिला है तो काफी सारे के लिए को रिलीज कर दिया गया अगर आप भी कोई डिवाइस या फिर अपडेट यूज करना चाहते हो तो टेलीग्राम पर अवेलेबल रहेंगे सारे अपडेट्स जहां से इनको आप ट्राई कर पाओगे अच्छा लगा तो लाइक करें अपने फैमिल्स को शेयर करें चैनल पर अगर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब करने मिलता थैंक्स फॉर वॉचिंग एस द नेक्स्ट वन